أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ہماری گفتگو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں چل رہی تھی اور اس ذیل میں گفتگو چل رہی تھی کہ غیر خدا سے توسل وغیرہ نہ یہ شرک ہے اور ضمنی جو بحث بیان کی کہ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرنا یہ کسی عنوان سے بھی غیر خدا کو سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ خاک پر سجدہ کرنا ظاہراً یہ نقطہ ہم نے نہیں بیان کیا تھا کہ خاک پر سجدہ کرنا کہ سجدہ خود خضوع اور خشوع کی علامت ہے اور خاک پر سجدہ کرنا یہ خضوع اور خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے اور کمال خضوع و خشوع یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرے اپنے آپ کو حقیر قرار دے اور وہ اپنے آپ کو حقیر قرار دینا یہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان خاک پر سجدہ کرے اور اپنی تحقیر اور اپنی تذلیل کو خدا کے سامنے ثابت کریں یہ خضوع اور خشوع کے انتہا کا کے لیول کا ایک انتہا ہے اور ایک پیک لیول ہے یہ اس کے بعد آگے کوئی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ شرک انسان کا عمل کب اس کو شرک کی کیٹیگری اور مشرک بنا دیتا ہے اگر خداوند متعال اگر کسی چیز کی نہیں کرے کسی چیز کو منع کرے مثلا غیر خدا کو سجدے کو اگر خدا نہیں کرتا ہے منع کرتا ہے یا ایک خاص قسم کی عبادت کی نہیں کرتا ہے مثلا عید کے دن روزہ رکھنا یا کسی قسم کی بھی کسی بھی عبادت کو اگر خداوند متعال منع کرتا ہے تو اس کو انجام دینے سے انسان نہ کافر بنتا ہے نہ مشرک بنتا ہے
इसलिए कि हर हराम काम को अंजाम देना ये इंसान को काफिर और मुशरिक भी बना देता है, बल्कि दर हकीकत शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि इंसान गैर खुदा के सामने खाजे और खाशे हो, इस उन्वान से कि खाजे होने वाला बंदा है और जिसके सामने खाजे हो रहा है उसको बेउनवान रब खुजू कर रहा है, बेउनवान खालिक खुजू कर रहा है, ये इंसान को शिर्क और मुशरिक बना देता है। लेकिन अगर इंसान अगर गैर खुदा को सजदा करता है और बंदगी और उबूदियत का कर्ज़ नहीं करता है, बंदगी और उबूदियत का कर्ज़ नहीं करता है, तो ये इस हराम अमल के ज़रिए से वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएगा, मुसलमान होने से खारिज नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम का दारो मदार शहादतैन के ऊपर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम दायर मदार है। बस इस बिना के ऊपर किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए अथार अलैहिस्सलाम की कब्रों की ज्यारत करना, जिस जबकि ज्यारत करने वाले का मकसद ये है कि वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे, किस तरह ये अमल उसका उसको मुशरिक बना देगा जबकि वो शहादतैन को अपनी ज़बान पर जारी करने वाला है। खूब यहाँ तक ये बात मुकम्मल हुई। उसके बाद आगा खुई ने एक दिलचस्प गुफ्तगू को छेड़ा है और बयान किया है। कि इंसान जब किसी इबादत को अंजाम देता है, लेकिन सबसे पहला नुक्ता क्या है, इबादत एक इख्तियारी फेल है। दो किस्म के इंसान के काम होते हैं, फेल होते हैं, एक फेल इख्तियारी कहलाता है, एक फेल गैर इख्तियारी कहलाता है, जो इंसान के इख्तियार से बाहर है। मिसाल के तौर पर दिल की धड़कन, इंसान के बदन का एक्ट है, या जिसके हाथ में राशा है ये उसके गैर इख्तियारी एक्ट है, या जो भी इंसान के इख्तियार से बाहर हो, जो इंसान अपने इख्तियार से जिस काम को अंजाम ना दे। एक दफ़ा काम गैर इख्तियारी काम हुआ करता है, एक दफ़ा काम इख्तियारी हुआ करता है। इंसान जो गैर इख्तियारी काम अंजाम देता है वो क्योंकि उसके इख्तियार में ही नहीं है वो काम, लिहाजा उसमें ये नहीं कहा जाएगा, उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ये काम क्यों किया, इस काम को अंजाम देने का मकसद क्या था। वो कह रहा भाई मेरे इख्तियार में नहीं है ये काम। लेकिन इसके बरखिलाफ जो फेल इख्तियारी है, जो इंसान इख्तियार से कोई काम अंजाम देता है, आता है, जाता है, चलता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, इसको कहते हैं ये फेल इख्तियारी है। जब भी इंसान कोई फेल इख्तियारी अंजाम देता है तो उसका कोई ना कोई दाई हुआ करता है, कोई ना कोई उसका मोटिवेशन हुआ करता है कि जो उसको मोटिवेट करने वाला है। इंसान जाके टेलीविज़न को खोलता है ताकि टीवी को देखे, एक दफ़ा न्यूज़ देखने उसका दाई है, एक दफ़ा इंटरटेनमेंट के लिए के इरादे से जो कि वो ड्रामा और फिल्म देखने का
उसका दाई है, क्या उसका दाई है, तो ये उसका फेल इख्तियारी। जब इंसान कोई फेल इख्तियारी अंजाम देता है तो हतमन उसके उसका कोई ना कोई एक दाई होना चाहिए, एक अंदर से मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। हो ये बात बहुत ही वाजे है, एक बिल्कुल नफसियाती और लॉजिकल बात है कि इंसान जब भी कोई काम अंजाम दे फेल इख्तियारी, तो हमेशा कोई ना कोई दाई होना चाहिए। इबादत जो इंसान अंजाम देता है वो फेल इख्तियारी है, जिस तरह खाना मेरा मेरे इख्तियार से मैं खाता हूँ, सोना मैं अपने इख्तियार से करता हूँ वगैरह वगैरह, ये मेरे इख्तियारी काम। इसी तरह इबादत भी फेल इख्तियारी है, मैं जा नमाज पे जाके खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह की इबादत को अंजाम दे रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, खुम्स दे रहा हूँ, हज अंजाम दे रहा हूँ, ये सारे मेरे फेल इख्तियारी है। अब इस इबादत का कोई ना कोई दाई होना चाहिए, और इबादत इबादत नहीं बनती है जब तक दाई खुदा की जात ना हो। अगर दाई खुदा की जात ना हो तो इबादत इबादत नहीं बनेगी। इबादत की शर्त यह है कि मेरा मुझे मोटिवेट करने वाला, मुझे मोटिवेट करने वाली चीज खुदा की जात होनी चाहिए। अब उसकी तफसील हम बयान करेंगे, लेकिन ये एक इजमाली तौर पर ये नुक्ता जो है वो वाज़ह है। अगर कोई ने अपने वुजू की बहस में दरस खारिज में ये नुक्ता बयान किया, अगरचे यहाँ पर इन्होंने इजमाली इस बहस को छेड़ा है, लेकिन इस बहस को आगा कोई ने अपने दरस खारिज में तीन मकामात पर तकरीबन इस बहस को बयान किया है। वुजू के मसले में वुजू में जहाँ नियत की बहस की है, नमाज के मसले में वहाँ पे भी नियत के मसले में, और एक उजरत के मसाइल में, इजारा, इंसान अपने आप को किसी काम के लिए इजारे पर देता है, अगर मौका मिला और महसूस हुआ कि ये बात आगे बढ़ सकती है तो बयान करेंगे कि इजारे में इस बहस का क्या ताल्लुक है। अगर कोई फरमाते हैं कि जब भी इंसान खुदा की इबादत को अंजाम देता है तो दो में से कोई एक नियत के जरिए से, दाई के जरिए से, ये इबादत इबादत बन जाएगी। या इंसान इसलिए इस काम को अंजाम देता है कि ये खुदा के हुक्म को अंजाम देने के इरादे से, जो हम कर्ज़ क़ुर्बत कहते हैं ना, कर्ज़ क़ुर्बत, कि ये खुद कर्ज़ क़ुर्बत क्या है, खुद ये कर्ज़ क़ुर्बत क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लें कि ये जो कर्ज़ क़ुर्बत है जो कर्ज़े क़ुर्बत है, यहां पर क़ुर्ब से मुराद क़ुर्बे मकानी नहीं। देखिए दो किस्म का क़ुर्ब होता है, एक क़ुर्बे मकानी होता है कि मिसाल के तौर पर एक चीज के करीब हो जाए तो ये क़ुर्बे मकानी कहलाता है,
सही ना, एक चीज एक चीज के करीब हो जाए, एक जिस्म दूसरे जिस्म से अगर करीब हो जाए तो ये कुर्ब मकानी कहलाता है। खुदावंद मुताल जो है वो जिस्म नहीं है, खुदावंद मुताल जिस्म नहीं है, लिहाजा यहां पर खुदावंद मुताल से करीब होना जिस तरीके से एक जिस्म दूसरे जिस्म से करीब हो जाए उस सेंस में नहीं है, उस माना में नहीं है। ये एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता, खुदावंद मुताल अपने बंदे से करीब है, बल्कि कुरान की आयत के अक्रबो इले मिन हब्लिल वरीद के खुदावंद मुताल इंसान की शहरगे हयात से ज्यादा करीब और नजदीक है। या खुदा ये कहता है कि इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब व दावत दाई, कि जब मेरा बंदा इज़ा सालका, जब मेरा बंदा तुमसे सवाल करे मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब उजीब व दावत दाई, तो मैं उसके करीब हूँ। यानी किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है, वो वास्ता वो तवस्सुल वो एक अलग बहस है, लेकिन खुदा इंसान के करीब है। हो तवज्जो करें, क्योंकि ये देखिए कुर्बे मकानी में क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कुर्बे मकानी में कि मिसाल के तौर पर आप एक जिस्म को दूसरे जिस्म के करीब ले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं कि एक जिस्म तो दूसरे के करीब हो और दूसरा पहले के करीब ना हो, ये नहीं हो सकता है। दोनों जाहिर करीब हैं, दोनों करीब हैं, लेकिन कुर्ब मानवी में ऐसा नहीं होता है, कुर्ब मानवी में ऐसा नहीं होता है। खुदावंद मुताल इंसान के करीब है, लेकिन मुमकिन है इंसान गुनाहों में गर्क हो, खताओं मासियत में गर्क हो और खुदा से दूर हो। खुदा तो इतना करीब है कि अकरब बिन हबलिल वरीद है, उसकी शहर के हया से ज्यादा करीब है। तवज्जो किया आपने? बस ये कुर्बे मानवी का एक मतलब जो आपकी खिदमत में बयान किया। बस इंसान जब खुदा की इबादत को अंजाम देता है तो दर हकीकत क्या होता है कि इंसान खुदावंद मुताल के करीब होना चाहता है, उसकी कुर्बत को हासिल करता है, कुर्ब मानवी के बकौल आगे कोई के फरमाते हैं कि अक्सर दुआ और रिवायतों से इस्तेफादा होता है कि तमाम इबादतों का जो मकसद है, मकसद नहाई इंतहाई आला तरीन जो मकसद है वो खुदा की मुलाकात है। इंसान इस मर्तबे पर पहुंचे कि खुदा की कुर्बत खुदा की खुशनुदी को हासिल करें। और ये उस वक्त हासिल होगा जब इंसान अपने नफ्स को पाक व पाकीज़ा करे। खूब ये ज़िम्नी बात थी जो आपकी खिदमत में पेश की। उसके बाद आगे कोई फरमाते हैं कि जब भी इंसान खुदा की इबादत को अंजाम देता है तो उसका दाई क्या होता है। कहते हैं दो में से कोई एक होना चाहिए, या
یہ کہ انسان کسی کام کو انجام دے اس نیت کے ساتھ کہ میں خدا کے حکم کو بجا لا رہا ہوں. یعنی یہاں پہ جو میں جان نماز پہ جا کے کھڑا ہو گیا, یہاں پر جو میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی, اس میں میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو خداوند متعال کا جو آرڈر اور حکم ہے وہ انجام دینے کی نیت سے نماز اور عبادت کو انجام دے رہا ہوں, اور کوئی غرض نہیں ہے. ایکسرسائز غرض نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا غرض نہیں ہے, کوئی اور نیت نہیں ہے. بلکہ نیت کیا ہے؟ امتثال امر مولا. امتثال الف میم تے سے تین نقطے والا, الف اور لام امتثال. امتثال یعنی انجام دینا, خدا کے حکم کو انجام دینے کا میرا قصد و ارادہ ہے. یہ ایک نیت. یا نیت یہ ہوگی کہ جو خدا نے حکم دیا ہے وہ کس وجہ سے حکم دیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ خدا کی محبوبیت حاصل ہو. دیکھیں, جب خدا نے مطلب حکم دے رہا ہے تو اس میں دو اینگل ہیں, دو اینگل ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ ہمارا بڑا ہمیں کہتا ہے کہ پانی لے کر آؤں. ہم ایک دفعہ پانی اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے, لہذا میں پانی لے کر آ رہا ہوں. ایک دفعہ یہ کہ تاکہ میں اس کی محبوبیت کو حاصل کروں, اس کا محبوب بندہ بن جاؤں, وہ مجھے پسند کریں, اس کا محبوب بندہ میں بن جاؤں. تو یہ دو غرض آغا خوئی فرماتے ہیں. پس اگر توجہ کریں, پس اگر یا یہ نیت ہونا چاہیے یا یہ نیت ہونا چاہیے, تو یہ کہلائے گا کہ میں نے قرب الہی کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہے, خدا کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے, غیر خدا کے لیے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے, امر مولا تھا اس لیے کیا ہے, یا محبوبیت, محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کے لیے, ایکسرسائز کے لیے, وضو کر رہا ہوں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, یہ غرض نہیں ہے میری. توجہ کیا آپ نے؟ بس یا اس نیت سے اس کام کو انجام دیتا یا اس نیت سے. حتیٰ توجہ کیجیے گا, حتیٰ اگر کوئی شخص اگر محبوبیت کی غرض نہیں ہے, امتثال امر مولا نہیں ہے, بلکہ جنت کو حاصل کرنا ہے, خالی جنت کو حاصل کرنا ہے, عبادت باطل ہے, خالی جہنم کا خوف, عبادت باطل ہے. گھبرائے نہیں, ہماری عبادت ابھی بیان ہوگی کہ یہی ہے, جنت کی لالچ و جہنم کے خوف سے ہی ہے. لیکن توجہ کریں, ابھی ابتدائی طور پر ہماری عبادت کنیکٹ ہونی چاہیے خدا کی ذات سے. اب وہ کنیکشن دو چیزوں کے ذریعے سے, یا امتثال امر مولا کا ارادہ ہو کہ میں خدا کے حکم کو انجام دے رہا ہوں, یا اس کی محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ دو اگر یہ دو قصد اور ارادے نہیں ہیں تو پھر عبادت کو انجام دینا کسی بھی غرض سے ہو, ایکسرسائز کی غرض سے, ڈائٹنگ کی غرض سے میں روزہ رکھ رہا ہوں, ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, حتیٰ جنت کی حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, جہنم کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہوں, یہ عبادت باطل ہے. اگر اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر تو جو کہ وہ اگر ہم تو جنت کی لالچ میں ہی کرتے ہیں, جہنم کے خوف سے ہی کرتے ہیں. نہیں, اس کی وضاحت آگے آئے گی, اس کی وضاحت آگے آئے گی. بس اگر کوئی ابتدائی طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی, اب توجہ کریں
جنت اور جہنم خود صاحب عروۃ الوثقی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو انسان عبادت کو انجام دیتا ہے, عبادت کو انجام دینا یا اس کو اہلا للعبادت سمجھتے ہوئے عبادت کو انجام دیتا ہے, یا جنت کی لالچ میں جہنم کے خوف سے, اور تینوں میں عبادت صحیح ہے, تو آغا خوئی کے اس مطلب کو صاحب عروۃ اس عبادت کے ساتھ کس طرح جوائن کریں گے؟ کیا خوئی بھی مانتے کہ عبادت صحیح ہے؟ آغا خوئی جواب دیتے ہیں کہ یہاں در حقیقت طول میں ہے, جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف یہ طول میں ہے. یعنی کیا مطلب طول میں ہے؟ یعنی یہ کہ میں جنت کی لالچ میں کب جنت میں جاؤں گا؟ میں رکوع اور سجدہ کرنے سے جنت میں جاؤں گا, یہ ظاہری نماز پڑھنے سے جنت میں جاؤں گا, یا قربتن اللہ نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا؟ کب جنت میں جاؤں گا؟ دیکھیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں تکبیر الاحرام کہ اللہ اکبر الحمد رکوع سجدہ تشہد سلام, آیا یہ اٹھک بیٹھک یہ نماز پڑھنے سے میں جنت میں جاؤں گا؟ یا میں جب نماز پڑھوں گا قصد قربت کے ساتھ تو جنت میں جاؤں گا؟ واضح, بس جنت اس کو کہتے طول. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا یہ کہ قصد قربت کے ساتھ عبادت ہو تو جنت ملے گی, قصد قربت کے ساتھ عبادت ہوگی تو میں جہنم سے بچوں گا, اس کو کہتے طول لمبائی میں. وہ جو عبادت پہلے ہم نے کہا کہ جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف سے اگر انسان عبادت انجام دے تو وہ عبادت باطل ہے, وہ عرض میں تھا, وہ ورت میں تھا. یعنی میں یوں کہوں, ایک دفعہ انسان عبادت انجام دیتا ہے خدا کے لیے, ایک دفعہ انسان عبادت انجام دیتا ہے جنت میں جانے کے لیے. وہ فرق کیا ہے جنت میں جانے کے؟ مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ اگر میں ڈائٹنگ کے قصد سے اگر نماز پڑھوں تو باطل ہے, اور جنت میں جانے سے کی نیت سے نماز پڑھوں تو باطل نہیں. کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, دونوں میں نماز باطل ہے. لیکن ہاں, جنت میں جانا اور جہنم میں جہنم سے بچنا کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس نماز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو قصد قربت کے ساتھ ہو. اس کو کہتے ہیں لمبائی, طول میں. یعنی جنت میں پہنچانے والی وہ نماز ہے کہ جو عبادت جو قصد قربت کے ساتھ ہو تو مجھے جنت میں پہنچائے گی. تو چکی آپ نے. اچھا, جبکہ اگر مثال کے طور پر میں ڈائٹنگ کی نیت سے میں بھوکا رہتا ہوں تو میری ڈائٹنگ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے کہ میں قصد قربت کے ساتھ روزہ رکھوں گا تو ہی ڈائٹنگ ہوگی. یعنی ڈائٹنگ اس صورت ڈائٹنگ تو میں قصد قربت کے ساتھ بھی بھوکا رہا ہوں تو ڈائٹنگ تو ہو جائے گی, لیکن جنت نہیں ہوگی بغیر قصد قربت کے. دیکھیں میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کا, میری نیت یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور میری ڈائٹنگ بھی ہو جائے. خوب سوال, اگر میں اللہ کا قصد نہ بھی کروں تو ڈائٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. بس قصد قربت کے بغیر بھی ڈائٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن جنت قصد قربت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں طول, اس کو کہتے ہیں طول. یعنی جنت کس کے نیچے آ رہی ہے؟ اس عبادت کے نیچے کے بعد آئے گی جس عبادت کو میں اللہ کی نیت سے انجام دوں. لیکن ڈائٹنگ, ڈائٹنگ میں چاہے جو کو اللہ کی نیت سے کروں, یا ایکسرسائز, اب میں نماز میں ایکسرسائز کا میری کا بھی ایکسرسائز کا اگر قصد ہے تو ایکسرسائز میں ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ میں قصد قربت کروں گا تو ہی میری ایکسرسائز بنے گی, اس کے بغیر ایکسرسائز بن جائے گی. بس نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ
इबादत के लिए इन दो में से कोई एक कर्ज होना चाहिए, या इम्तिसाल अमर मौला कि मैं खुदा के हुक्म को अंजाम देने की नीयत से इस अमल को अंजाम दे रहा हूं, यानी मेरा अमल, तवज्जो करें, मेरा अमल का एक सिरा खुदा के से कनेक्ट होना चाहिए, या यूं कहूं बहुत आसान अल्फाज में कि मेरा मोटिवेशन अम्र मौला हो, खुदा का हुक्म हो, खुदा के हुक्म को अंजाम देने की नीयत से हो, खुदा का महबूब बंदा बन जाने के इरादे से हो, न कि लोगों को दिखाने के लिए। आप कहें मैं मुसल्ले पर आया जन्नत की लालच में आया, तो ये जन्नत की लालच दरहकीकत तूल में है। जन्नत मुझे कब मिलेगी? जब मैं खुदा की वजह से इस काम को अंजाम दूं, न कि लोगों को दिखाने के लिए अंजाम दूंगा नमाज तो भी, जो मुझे जन्नत मिल जाएगी। तो जो क्या आपने हो, यहीं से ये मसला हल होता है कि आपने एक रिवायत पढ़ी कि जो शख्स नमाज शब पढ़ेगा उसको खुदा उसके रिस्क में फरावानी अता करेगा, जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाएगा खुदा उसके रिस्क में इजाफा करेगा, उसको तूल उम्र अता करेगा, उसको गम और अंदूद का दूर होगा। हो, अब आप अजान फजर से आधे घंटे पहले उठते हैं, हो क्या नीयत है? हो नीयत ये है कि रिस्क में इजाफा हो, नीयत ये है कि खैर और बरकत हासिल हो, नीयत ये है कि मैं दुनियावी शर और मुसीबतों से जो को महफूज रहूं। अब मैं यहां से बिस्तर से उठकर मुसल्ले पर जा रहा हूं, कोई पूछे कि भाई तुम कहां जा रहे हो? नमाज शाह पढ़ने जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरे रिस्क में तंगी हो गई है। हो, अब सवाल, मैं मुसल्ले पर क्यों जा रहा हूं? रिस्क की फरावानी के लिए जा रहा हूं। अब सवाल आपसे, रिस्क कब फरावान होगा? कि जब मैं नमाज शब के लिए फकत रुकू सजदा करूं या कुर्बत के साथ अंजाम दूं? इसको कहते हैं दाई अल दाई, इसको कहते हैं दाई अल दाई, कि मेरा जाहिरी जो दाई है, मेरा जाहिरी मोटिवेशन क्या है? ये रिस्क, बला से दूर होना, हाजत की पूरा करने के लिए मैं करबला जा रहा हूं, ये मेरा जाहिरी दाई है। लेकिन ये दाई किसके ऊपर डिपेंड किए हुए हैं? कि जब मैं इमाम हुसैन की ज्यारत करूं उनकी मोहब्बत में, उनके इस वजह से मैं ज्यारत करूं कि वो आले रसूल से है, इस वजह से ज्यारत करूं आरिफन बेहक के ही कि वो वली खुदा है, इसी तरह मैं नमाज शब पढ़ रहा हूं, दाई क्या है मेरी नमाज शब पढ़ने का? इम्तिहान में पास हो जाऊं। दाई क्या नमाज शब पढ़ने का? रिस्क में फरावानी हो। दाई क्या नमाज शब पढ़ने का? गम और अंधू दूर हो। लेकिन ये दाई, ये रिस्क कब मिलेगा मुझे? ये रिस्क कब मिलेगा? फकत उठ के 11 रकात पढ़ने से, या वो 11 रकात पढ़ने से जो खुदा के लिए हो? यानी मैं नमाज शब एक दफा लोगों को दिखाने के लिए पढ़ूं तो क्या मेरे रिस्क में फरावानी होगी? या रिस्क की फरावानी आएगी उस वक्त जब मैं नमाज शब पढ़ूं अल्लाह के लिए? बस तवज्जो किया, इसीलिए ये आगे खोई ने इजारे में भी बहस की है। इजारे में क्यों बहस की है? मैंने आपसे उजरत ली कि आपके मरहूमीन की मैं नमाज पढ़ूंगा एक साल की मैंने जो वो उजरत ली, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि अगर आपकी मरहूमीन की नमाज पढ़ानी है तो आप मुझे उजरत दें, आपकी मरहूमीन की नमाज पढ़ूंगा। आप मुझे बताएं, वल्ला मैं आपके मरहूम की नमाज मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ूं कि मुझे उजरत मिलेगी।
توجہ کیا آپ نے؟ بیت نماز صرف اس لیے خالصتاً اس لیے نماز آپ کے مرحوم کی پڑھوں گا کہ آپ مجھے اجرت دیں گے، ورنہ میں کبھی بھی نہ پڑھتا، کبھی بھی نہ پڑھتا، میں خود اپنی قضا نمازیں پڑھ لیتا، میں خود اپنے مرحومین کی نماز پڑھ لیتا، میں آپ کے مرحوم کی نماز ہی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ مجھے اجرت دے دیں. اب توجہ کریں کہ دائی اول کیا ہے، ابتدائی دائی اجرت، لیکن یہ کس چیز کی اجرت ہے؟ اٹھک بیٹھے کی اجرت ہے یا قربۃ اللہ نماز پڑھنے کی اجرت ہے؟ اٹھک بیٹھے کی اجرت نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے، آپ مجھے اجرت دے رہے ہیں اس بات کی کہ میں نماز، اب جب اجرت، جب ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، اب میں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کو انجام دے رہا ہوں. کیوں انجام دے رہا ہوں؟ اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میں نے، اب خدا کا حکم ہے مجھے کہ نماز پڑھو، تم نے جو پیسے لیے ہیں میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں، بس اسی لیے آقا نے اجارے میں بھی یہ بحث کی ہے، علماء وہاں پر بھی یہ بحث کرتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں دائی الگ دائی. اور یہ انشاءاللہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. ہو انسان عبادت کو انجام دیتے اللہ کے لیے. اب انسان جب اللہ کے لیے عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. ایک دفعہ انسان اللہ کی عبادت کو انجام دیتا ہے، قصد قربت کے ساتھ انجام دیتا ہے تاکہ جنت میں جائے. ایک دفعہ انسان خدا کی عبادت کو قصد قربت کے ساتھ انجام دیتا ہے تاکہ وہ جہنم سے بچے، کہ بقول آغل خوئی کے کہ ہماری عبادتیں یا یہ ہے یا یہ ہے، بس یا جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے، اس سے زیادہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارا کیلیبر نہیں ہے. تیسری عبادت جو بقول آغا خوئی کے سلمان فارسی اور ابو ذر المقداد کی عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرتا ہے. ایک سیکنڈ،
हो, तवज्जो करें। वो फेलन जो कि वो ये तीन इबादतों को देखें, चौथी जब इबादत अगर मुझे मिल जाती है तो उसको देखते बाद में कि फरमाते हैं कि इंसान खुदा के लिए इबादत को अंजाम देता है, इसकी तीन मरहले हैं। एक दफ़ा मैं खुदा की इबादत करता हूँ इसलिए कि ताकि मुझे जन्नत मिले, एक दफ़ा खुदा की इबादत करता हूँ इसलिए ताकि जहन्नुम से बच जाऊं, और तीसरी इबादत वो ये कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ इसलिए कि वो अहलन लिल इबादा है। जब हमने सूरह हम की तफसीर की थी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमान रहीम, हमने कहा क्या कहा था, तमाम तारीफ उस खुदा की है। अल्लाह क्या है, मुस्तजमी लिजमी सिफातिल कमालिया, खुदा तमाम सिफात कमालिया का हामिल है, तमाम सिफात कमालिया खुदा ने मुताल की, जो सारी की सारी सिफात है वो सारी की सारी कामिल कमाल और मुकम्मल तौर पर खुदावंद मुताल के अंदर मौजूद हैं। ये कस्द और इरादे के साथ इंसान खुदा की इबादत करता है कि वो अहले इबादत है, हक है कि उसकी इबादत की जाए। वहाँ खुद कहते हैं, और बिल्कुल कोई शक नहीं आखोई ने जो फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया, हाजल किस्म इबादत इनमतल मासूमी अलीमसलम, कहते ये जो इबादत है ये सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम से है, मासूमीन अलैहिस्सलाम इस इबादत को अंजाम दे सकते हैं। अम्मा मिन गैरिहिम फला युनकिरु तस्दीक बितहक्कुकिहिम, अम्मा गैर से जो कोई ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता है कि वो अहलुल इबादत, अगर से मुमकिन है, मुमकिन है भाई, माना ये कि एक इंसान उस कमाल तक पहुंच सकता है, आईमा अखर मुस्लिम इंसान ही है, लिहाजा एक इम्कान है, लेकिन मालूम है कि हमारे अंदर हत्ता अगर कोई के बकौल सलमान अबू ज़र मिद्दाद भी उस मकाम तक नहीं है, फकत वक्त ये अमर ये स्टेज ये मरहला फकत वक्त मखसूस है किसके लिए, खूब तवज्जो करें। अब हमारी गुफ्तगु यहाँ तक पहुँची थी कि तीन मरहले थे इबादत के। पहला क्या था, पहला ये कि इंसान खुदा की इबादत करता है जन्नत की लालच में, दूसरा जहन्नम के खौफ से, और तीसरा अहलन लिल इबादा कि खुदा की जात ही सिर्फ और सिर्फ मुनहसिर है इस बात में कि उसी की इबादत की जाए, वो इबादत की अहलियत उसी में है, फकत फकत वही एलिजिबल है कि उसकी इबादत की जाए, कोई और नहीं है। देखिए इसकी वाजिब मिसाल भी इंसान की जिंदगी में अगर हम देखें कि कभी हम इस पर ढारस लगाते हैं, कभी इस पर ढारस लगाते हैं, कभी इससे आरजुएं करते, कभी इससे तमन्नाएं करते, कभी ये सब अलामत इस बात की कि हमने खुदा को वो मर्तबा नहीं दिया, सही ना, ये हमारी यानी हमारे नहीं है, हमारे नहीं कि नहीं पहुंच सकते उस मकाम तक, ये इसके लिए वो मारिफत है कि जो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि और मोहम्मद वाले मोहम्मद अली मुसलम की मारिफत है। बस तवज्जो की आपने, और इसी की तरफ अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि का वो जुमला जो मशहूर मारूफ जुमला है
कि अभी रोमी अर्जा फरमाते हैं माँ अब तो खौफ और मिनारिक बला तमानी जन्नत कि खुदाया मैंने तेरी इबादत को जहन्नुम के खौफ से इबादत में इबादत तेरी नहीं की है जन्नत की लालच में तेरी इबादत नहीं की है वलाकिन वजदतुका अहलन लिल इबादत फअबदतुक मैंने तेरी अहले इबादत पाया है किसके सामने सर झुकाऊं देखें सर झुकाने का मतलब क्या है सर झुकाने का मतलब क्या है कि सामने वाला कुदरतमंद है मैं उसके सामने जलील हूं अब इंसान बादशाह के सामने खाजे होता है क्योंकि उसकी बुजुर्गी को तसव्वुर करता है उसकी बुजुर्गी को तसव्वुर करता है वाकई इंसान अपनी जिंदगी में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एहसास करता है जब किसी बुजुर्ग के सामने जाता है तो कल्बी लिहाज से खाजे होता है तो हमारे लिए ये बुजुर्ग है ये बादशाह बुजुर्ग है ये मिनिस्टर बुजुर्ग है ये फलां बुजुर्ग है इसकी इसकी इंपॉर्टेंस है इसके सामने हम कभी खाजे हैं कभी उसके सामने खाजे हैं अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि असल खुजू में खुदा तेरी जात के लिए मैं किसी और की तरह खाजे नहीं हो सकता हूं इसी की सारी की सारी ताकत सारी की सारी कुदरत तेरे लिए है ये जुमला जो मुनाजात अमीरुल मोमिनीन सलामुल अलैह का है कि कफाना कफानी इलाही कफा भी फखरा अंतकोनाली रब्बा ये वाकई से अमीरुल मोमिनीन कह सकते हैं मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू मेरा रब है मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं अब हम इस मुनाजात को मुमकिन है नमाज शब की नमाज वित्र की कुनूत में पढ़ें इंशाल्लाह अजर व सवाब है लेकिन जो इसका हकीकी मिजाज है वो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है वाकई मेरी फख्र के लिए काफी है कि मैं खुदा खुदा मेरा रब है यानी बाकी चीजों में मेरा फख्र नहीं है ये माल हो दौलत हो दुनिया हो वाकई शर्म आनी चाहिए हमें ये कहते हुए कि खुदाया तू मेरा रब है ये मेरे लिए फख्र की बात है मैं तेरा बंदा हूं मैं दुनिया का बंदा नहीं हूं मैं दौलत का बंदा नहीं हूं मैं माल का बंदा नहीं हूं मैं इज्जत और शोहरत का बंदा नहीं हूं मैं तेरा बंदा हूं शर्म आनी चाहिए इंसान को बोलते हुए लेकिन इंसान अमीर मोमिन की तासी में पैदी में अगर जुमला कहे सिर्फ और सिर्फ अमीर मोमिन की तासी में तो ये इंशाल्लाह भाई से सवाब अजर सवाब मिलेगा इंशाल्लाह लेकिन इंसान के अकीदे और इंसान के ईमान के साथ ये मैच नहीं करता है ये वो लेवल है अहलन लिल इबादत मैं तुझी को फकत अहले इबादत समझता हूँ इसलिए मेरे सामने कोई कुदरत और है ही नहीं कोई ताकत ही नहीं है कोई शौहरत ही नहीं है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला अमीरुल मोमिनीन के बारे में अली ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह अली ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह क्या मतलब अली ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह यानी अली गर्व है खुदावंद मुताल की ज़ात में फना है खुदावंद मुताल की ज़ात में यानी अली के लिए सलामुल्लाह अलैह के लिए अपनी ज़ात भी कुछ नहीं है वो जो मर्तबा सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद है वहाँ वो एक आला मर्तबा बयान किया गया कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा उसको बयान करूँगा लेकिन उसमें भी गरज सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद खुद अपनी ज़ात है आई एम आई अथार अलमुसलाम असल अपनी ज़ात को तसव्वुर नहीं करते हैं ममसूस उन फी ज़ातिल्लाह ममसूस किसको कहते हैं देखें जब आप किसी चीज को टच करते हैं किसी चीज को टच करते हैं तो आपका हाथ जो टच करने वाला है वो है मास मत करने वाला जिस चीज को टच किया जा रहा है उसको कहेंगे ममसूस जिस चीज को टच किया जाएगा उसको कहा जाएगा ममसूस खुदा अच्छा
खुदा अमीरुल मोमिन सलामुल्लाह अलैह खुदा की जात में ममसूस है, फना है, गर्क है, यानी अपनी जात कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो अमीरुल मोमिन सलामुल्लाह अलैह का जुमला कि जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो उसके साथ, उससे पहले, उससे आगे, उसके पीछे, उसके दाएं, उसके बाएं, खुदा को पहले देखता हूं, ये अव्वल तो वाकई इसका मतलब खुद अमीरुल मोमिन सलामुल्लाह अलैह समझे कि इसका मतलब क्या है। सही, इंशाल्लाह फिलहाल जो हम गुफ्तगू यहीं पर जो वो पॉज करते हैं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा गुफ्तगू इंशाल्लाह यहीं से जो वो कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।